और हरियाणा की जगह वो नदी पाकिस्तान से आ रही होती है और पाकिस्तान पानी रोक देगा तो फिर तो आप राजनीतिक मुद्दा ही बना है ना वो। लेकिन वो पाकिस्तान है तो आप उसको गाली दे दोगे, लेकिन आप हरियाणा है और बीजेपी की सरकार है तो आप कुछ नहीं बोलोगे। ईडी का थोड़ा हाथ ढीला हुआ तो सीबीआई आ गई, सारा गेम चल रहा है। दिल्ली की जनता परेशान है, उसके बारे में कोई कुछ सोच नहीं रहा है। साथ के साथ एमपी जिन्होंने सीएम बना रखा है अरविंद केजरीवाल जी को, उन्होंने ही तो वोट देके सातों एमपी जितवाए ना जी। वो कहाँ है सात एमपी, एक भी एमपी नहीं दिख रहा रोड पे। कितनी वो गलत बात है कि जो पानी के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं के ऊपर वो चला दी जाती है, पानी का विचार कर दी जाती है। आप कितनी मतलब किस लेवल तक गिर गए। हरियाणा से पानी रोका जा रहा है तो जनता इस बात से भी तो दुखी होगी ना कि हमने सातों सीट हमने भाजपा को दी और उसके बाद भी हमारा पानी रोक लिया गया। सिंपल सी बात है जो मनोज तिवारी बोल रहे हैं, मनोज तिवारी 10 साल से सांसद हैं दिल्ली शहर के, कहीं और के नहीं है, दिल्ली के ही है। उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं दिखाया इंटरेस्ट दिल्ली के अंदर, तो उनकी ये बात बोलना जायज ही नहीं मानता। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, उनकी तबीयत भी खराब चल रही है और इसी दौरान सीबीआई रिमांड की मांग भी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है पर दिल्ली के मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री उनको कब जमानत मिलेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी कुछ महीनों में शुरू होने वाले हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए युवा है, सीधा इनसे जुड़ेंगे। क्या लग रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार तबीयत खराब हो रही है, वही सीबीआई रिमांड की मांग कर रही है, क्या कहना चाहिए? हम ये तो सब चले जा रहा है, राजनीतिक खेल है, राजनीतिक अटखेलिया जिन्हें बोलते हैं वो है, ये चले जा रही है, हो जा रहा है। पहले ईडी ले गई, फिर ईडी ने बिल हाईकोर्ट में जाके फी लगा दी, फिर उसके बाद उनसे वहां से भी उनको दोबारा छोड़ा नहीं गया है। फिर अब जैसे सीबीआई ईडी का थोड़ा हार्ड ढीला हुआ तो सीबीआई आ गई, सारा गेम चल रहा है। दिल्ली की जनता परेशान है, उसके बारे में कोई कुछ सोच नहीं रहा है। साथ के साथ एमपी जिन्होंने सीएम बना रखा है अरविंद केजरीवाल जी को, उन्होंने ही तो वोट देके सातों एमपी जितवाए ना जी। वो कहाँ है सात एमपी, एक भी एमपी नहीं दिख रहा रोड पे। दिल्ली में पानी की किल्लत थी, कितनी किल्लत थी? देखी तो अतिशी तो आम आदमी पार्टी की है ना, लेकिन अगर आप बताओ ना वो जो 7 एमपी जीते दिल्ली में वो कहाँ थे, एक भी नहीं आया, किसी एक एमपी ने एक ट्वीट तक किया हो। पर अभी आपने देखा आज बारिश हुई, भाजपा के एक सांसद जहां पानी भरा है नोएडा की तरफ, वहां पर नाव चलाते हुए दिख रहे हैं। वो तो ठीक है, जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सब राजनीति खेलने में लगे हुए हैं। अभी नाव चला रहे हैं, पहले थोड़े दिन पहले भी चला रहे थे, पिछले साल भी चला रहे थे, वो ठीक है। अब प्रॉब्लम हो रही है ऑब्वियसली, बारिश से भी प्रॉब्लम हुई, इससे पहले पानी की प्रॉब्लम और भी थी, पानी नहीं आ रहा था। लेकिन कोई, मैं कह रहा हूँ वही आदमी जिसने विधानसभा में दिल्ली को केजरीवाल को बना रखा है, वही आदमी ने तो 7 सांसद बनाए ना दिल्ली में से, वो किसकी सुनवाई, वो भी तो हमारे लिए ही बन के गए थे ना, दिल्ली की जनता के लिए तो बन के गए थे। ऐसा थोड़ी है कि वो भाजपा के थे तो वो दिल्ली की जनता के बारे में नहीं बोलेंगे, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसके चक्कर में, भ्रष्टाचारी भी तो है ना अरविंद केजरीवाल। ठीक है कोई बात नहीं, अगर है तो उनपे चार्ज होना चाहिए, अंदर हो जाने चाहिए, हम तो कोई मना ही नहीं कर रहे हैं। भाजपा की चोर पार्टी, कट्टर ईमानदार कर करके ये लोग, भाजपा भी चोर है, सारे चोर है ऐसे तो। भाजपा कैसे चोर हो गई, भाजपा भी बहुमत से आ गई है। तो बहुमत से आने का मतलब ये थोड़ी है चोर नहीं है, बहुमत से आने का मतलब ये नहीं होता है कि चोर नहीं है। बहुमत तो वही है कि आप एक नोटा पे भी वोट डाला, जैसे आपने देखा होगा इधर आपका एमपी में या यूपी में किसी जगह, एक जगह 2.5-3 लाख वोट नोटा पे पड़े, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वही है जो भारत देश की जनता ढूंढती है कि कम चोर कौन है, उसे बना देते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है, अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है, उन्होंने तभी जमानत। हम बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको पॉलिटिकली फंसा के अंदर किया जा रहा है, उसमें से एक अरुंधति रॉय भी है जिनको अभी रिसेंट में यूएपीए लगा दिया गया, उसमें एक उमर खालिद भी है जिनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। कितने कितने अच्छे लोग हैं जो इतना काम किया, मतलब उनको अभी अरुंधति रॉय को तो आई थिंक परसों ही एक अवार्ड भी मिला है, वो अवार्ड जो किसी को नहीं मिला आज तक शायद आई थिंक इंडिया में, वो अवार्ड भी मिल रहे हैं उन लोगों को, वो लोग इंडिया के लिए अवार्ड लेके आ रहे हैं, ये उनपे यूएपीए लगा के अंदर करे जा रहे हैं, खुद का बनाया हुआ कानून है उसके। अच्छा, पानी की किल्लत के लिए कौन जिम्मेदार है? पानी की अगर आप वाटर क्राइसिस की बात करोगे तो ऑब्वियसली आप हरियाणा से अगर पानी आता है, अब जैसे दिल्ली के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं ना पानी की, दिल्ली में कोई पानी नहीं बन रहा है, इंतजाम तो पहले भी कर सकते हैं, पहली बार थोड़ी हो रही है किल्लत, नहीं हो रही है बट आएगा तो प्रोसेस तो वही है ना, आ तो नदियों के थ्रू रहा है, सोचना तो पहले पड़ेगा ना। ठीक है, नो डाउट, मैं तो उनकी भी गलती कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ उसमें अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की भी, आम आदमी पार्टी की भी गलती है, लेकिन आप एक बात बताओ ना, आप हरियाणा से पानी क्यों रोक रहे हो, जब उसने चंडीगढ़ हरियाणा के भी उसने
सॉरी पंजाब में भी आके बोला कि हमारी तरफ से जितना हो सकता है हम वो करेंगे। उसके अलावा और भी जितनी स्टेट्स हैं, हिमाचल ने भी आके बोला, हिमाचल के सीएम ने भी बोला था एक बार कि हमारे को अगर दिल्ली को पानी देने की जरूरत पड़े तो हम देने के लिए एक्स्ट्रा पानी राज्य हैं, लेकिन जब हरियाणा आएंगे तो हमारी बाउंड्रीज तो उधर से ही आती है ना। अब अगर हरियाणा की जगह वो नदी पाकिस्तान से आ रही होती है और पाकिस्तान पानी रोक देगा तो फिर तो आप राजनीतिक मुद्दा ही बनाएगा ना वो, लेकिन वो पाकिस्तान है तो आप उसको गाली दे दोगे, लेकिन आप हरियाणा है और बीजेपी की सरकार है तो आप कुछ नहीं। सीबीआई रिमांड की मांग कर रही है, जहां अरविंद केजरीवाल की तबीयत भी खराब है, उनका वजन भी गिरता जा रहा है, रिमांड की मांग करना कितना सही? ठीक है, अब राजनीतिक खेल है, मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में, मेरे ख्याल से तो कोई इस पर टिप्पणी बनती नहीं है। बाकी हेमंत सोरेन भी आज उनकी बेल एक्सेप्ट हो गई है, देखते हैं अब क्या होगा। कोई चार्जेस तो अभी तक फाइनलाइज हुए नहीं है कि कन्विक्ट हो गए, कन्विक्ट तो हुए नहीं है। आप उनके वो तारीख बढ़ाते जाओगे तो ये कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पीछे दिल्ली के जितने 2-2.5 करोड़ लोग हैं वो उनके पीछे उनकी राह देख रहे हैं कि भाई हमारा सीएम जो है जो हमारे लिए काम करेगा। उनके पास एक अथॉरिटी तक नहीं है कि वो अपना साइन कर पाए, जब वो बाहर भी आए किस दिन के लिए तो भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो जनता है वो तो उसमें पिस रही है ना, भले को मैं बोल रहा हूँ राजनीति कोई भी कर रहा है, भाजपा कर रही है। केजरीवाल ने कहा था कि काम तो जेल से भी चलेगा, नहीं ठीक है काम चलना चाहिए, काम तो होने चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है ना मैम, क्या हो रहा है आप बताओ ना, कितने लोग क्या कर रहे हैं। आप बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई पानी दिल्ली की जनता को नहीं मिल रहा है, अरे भाई रोक तो आपकी सरकार है, यहाँ पे हरियाणा ने उन्हें रोक रखा है ना, तो आप उसको छोड़ रहे हो तो आप उसको प्रोटेस्ट कर रहे हो। पानी कितनी वो गलत बात है कि जो पानी के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं के ऊपर वो चला दी जाती है, पानी का विचार कर दी जाती है, आप कितनी मतलब किस लेवल तक गिर गए। आदित्य ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में 7 महीने बाकी है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव कितने महत्वपूर्ण है अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए अब अगर अरविंद केजरीवाल अथॉरिटी, एक तो क्या आम आदमी पार्टी में मेरे को भी ऐसा लगता है कि टॉप अथॉरिटी जो है वो तो है ही नहीं अभी, उसके बाद जो लोअर लेवल पे है उनसे सेकंड लोग मान लो सेकेंडरी जो लोग हैं वो लोग अब काम कर रहे हैं, ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो अभी डिसीजन मेकिंग में ऑब्वियसली प्रॉब्लम आ रही होगी। अब पता नहीं क्या होगा, इवन कि अब कांग्रेस का भी वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब ऑब्वियसली जब 3 सीट कांग्रेस लड़ी दिल्ली में तो लोग कांग्रेस की तरह, जो भी आम आदमी पार्टी का वोटर है वो इनडायरेक्टली कांग्रेस का वोटर है। अच्छा। दिल्ली में अगर आप देखोगे तो वही लोग कांग्रेस को वोट करते थे जो आम आदमी पे शिफ्ट हो गए, लेकिन वो ऐसा भी मेरे को होता हुआ दिख रहा है कि मे बी पॉसिबल कि वो इस चुनाव में बहुत सारे लोग जो होंगे वो कांग्रेस पे वापसी वोट करेंगे, स्पेशली वहां पे जिन्होंने इस बार ही करा। लोकसभा के जब 7 सीट भाजपा के सांसद ले गए, उनका जनाधार स्ट्रॉन्ग हो गया दिल्ली में, और कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन दिल्ली पे ढूंढ रही है, और अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे कि 70 की 70 सीट हम लेके जाएंगे। पिछला भी जो चुनाव हुआ था वो भी 2019 में हुआ था, जिसमें 62 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने, और इधर यही चुनाव, यही सेम टाइम डिफरेंस उस टाइम पे भी था, तब भी अरविंद केजरीवाल 62 सीट्स पे रुके थे, ऐसा नहीं है कि उन्हें फायदा हुआ, वही सेम सिनेरियो इस बार है। इवन इस बार तो बीजेपी को नुकसान भी होगा, क्योंकि पिछली बार तो कितनी सीट आई थी बीजेपी की, तो इमेज डाउन हुई है ना, पहले से बेटर इमेज में है ना, बट उसमें एक प्रॉब्लम और आ गई है, अब दिल्ली में कांग्रेस भी स्ट्रांग हो गई है और कांग्रेस और आम आदमी अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो क्या होगा कि दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर। कांग्रेस के पास है विधानसभा के लिए कोई लीडर? हाँ, देवेंद्र यादव कर रहे हैं अभी मेहनत, लगे हुए हैं हर जगह, मैंने देखा भी रिसेंट में कि वो बहुत सारे विधानसभाओं में जाके प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का, ठीक है चल रहा है, अच्छी बात है कि अगर आप कांग्रेस, लेकिन मैं दिक्कत क्या होगी इस चुनाव में जो मेरे को होता हुआ दिख रहा है कि आपका जो वोटर है वो सेम आइडियोलॉजी का है, जो कांग्रेस का वोटर है और जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो सेम आइडियोलॉजी का वोटर है, वो डिवाइड होगा और उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि गठबंधन में भी नहीं है इस बार, नहीं गठबंधन में नहीं है, वो जो कह रहा हूँ सेम आइडियोलॉजी का बंदा वो डिवाइड हो जाएगा, जब वो डिवाइड होगा उसमें बीजेपी को फायदा मिलेगा, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन दी एंड वो बीजेपी को फायदा भी होगा, और उसमें कोई सोचने वाली मेरे हिसाब से दो राय है नहीं, क्योंकि क्या होगा एक तरफ 1 लाख वोट है, एक तरफ 50-60 हजार वोट मान लीजिए आप, तो वो जो 1 लाख है वो आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं, तो 60 हजार वाला भी जीत जाएगा, तो वो बहुत। दिल्ली में कौन सी पार्टी स्ट्रांग है और जो दिल्ली को समझती? नहीं, दिल्ली में कौन सी पार्टी को, तो ऑब्वियसली अभी इस टाइम पे आम आदमी पार्टी है, उससे ऊपर कुछ है नहीं, दिल्ली की जनता भी यही समझती है, जो उनका एक वोट बैंक पॉलिटिक्स अलग है, वो पानी पे और बिजली पे काम करते हैं, उसकी बात अलग है।
अभी जो पानी की किल्लत हुई उससे वोट बैंकिंग पे फर्क पड़ेगा या नहीं? अभी हर साल होता है, ये कोई सोचने वाली बात नहीं। अभी ज्यादा हुआ ना? नहीं नहीं, ये तो इस बार ही चुनाव है, अब इससे पिछले 5 साल पहले चुनाव था तो भी यही हो रहा था। ये तो चुनाव के मुद्दे हैं, जनता को भी पता है कि क्या हो रहा है। सवाल ये वोट बैंकिंग आप पड़ेगा या नहीं? आप अगर ये जनता के बीच में ये भी तो जा रहा है ना कि ये हरियाणा से पानी रोका जा रहा है, तो जनता इस बात से भी तो दुखी होगी ना कि हमने 7 सीट हमने भाजपा को दी और उसके बाद भी हमारा पानी रोक लिया गया, तो उस चीज का इम्पैक्ट भी आएगा। और देश की जनता की भी एक प्रॉब्लम है कि लोग ना इसके बारे में सोचते नहीं है। लोग वोट देते हैं, वोट देते टाइम क्या बोलते हैं, कम्युनल बेस पे चले जाते हैं, लोग ये नहीं देखते हमारे साथ काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल में दो सवाल है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि अगर दिल्ली विधानसभा में हम आएंगे, पूरी तरीके से वो जनाधार दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम आए दिल्ली में तो हम 90% दिल्ली की समस्याओं का हल कर देंगे। और दूसरा सवाल मेरा इसी में है कि विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो पाएगी? मैम एक सिंपल सी बात है, जो मनोज तिवारी बोल रहे हैं, मनोज तिवारी 10 साल से सांसद हैं दिल्ली शहर के, कहीं और के नहीं है, दिल्ली के ही है। उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं दिखाया इंटरेस्ट दिल्ली के अंदर, तो उनकी ये बात बोलना जायज ही नहीं मानता। 10 साल पूरी दिल्ली में तो चुने गए ना नहीं, सांसद चुने गए, दोबारा चुने जाए कोई बात नहीं, मैं मना ही नहीं कर रहा। आप काम क्या कर रहे हो, अपने काम तो कुछ करे ही नहीं ना, आप काम करो ना, आप काम सांसद के तौर पे तो करो। आप ये क्या बोल रहे हो, हम विधानसभा में जीतेंगे तो काम करेंगे, आप अभी भी तो सांसद हो, आप करो ना काम, सांसद के तौर पे काम करिए। अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होंगे तो इम्पैक्ट थोड़ा बढ़ेगा, देखो क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए लगातार अरविंद केजरीवाल जेल में है और सीबीआई रिमांड की मांग कर रही है, और आपने देखा कि संजय सिंह जो कि लोकसभा सांसद है वो लगातार अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए लोकसभा के आसपास प्रदर्शन कर रहे हैं। पर देखना यही होगा कि अरविंद केजरीवाल की विधानसभा चुनाव से पहले रिहाई हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं NCR समाचार।